उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि मेगा फूड पार्क खटाई में पड़ता जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद पतंजलि योग वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। देखिए अभी हम देखेंगे भी, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था जिसके लिए हम लोग इतने महीने साल भर लगा दिया, वो कुछ दिनों का काम था, कुछ दिनों प्रतीक्षा करेंगे। एमओयू वाली कोई बातें नहीं थी उसमें, तो एक सिंपल सा एक छोटा सा कैबिनेट नोट लगना था, उसमें अप्रूवल होना था, उसमें कोई ना कोई रेवेन्यू का लॉस था, न कोई ऐसा कोई बड़ा डिसीजन था, कुछ भी नहीं था, एक फॉर्मेलिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक निश्चित रूप से उसमें एक वो होना चाहिए था, उनको कैबिनेट नोट से अप्रूवल होना था। नहीं, नाराजगी नहीं है, ये परेशानी है। यदि हमको काम करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? वो कहते हैं वातावरण अनुकूल हो जाएगा, हमको तो यही चाहिए, हमको और कुछ थोड़ी चाहिए। हमारा कार्य पार्टीगत कार्य नहीं है, ये देश को बड़ा उठाने का कार्य है, किसानों के जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बनाने का कार्य है, और हम यही आशा करते हैं कि किसी की भी सरकार हो, हमारे देश के किसानों के जीवन में खुशहाली आए, देश में समृद्धि आए, सबको इसी के लिए काम करना चाहिए। ये तो मैं एक शासन के कार्य प्रणाली की बात कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई पार्टी का चीज़ तो हमको प्रतीत नहीं होती है। सीधे तौर पर 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता, इनडायरेक्ट देखें तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता, लाखों किसान परिवार के जीवन में समृद्धि आती, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से देश का जो विशालतम फूड प्रोसेसिंग यूनिट में से एक ये होता। नहीं, मैं तो खुश और नाराज नहीं हूँ। कार्य के लिए अनुकूलता होगी तो बेहतर काम होगा, और नहीं होगी तो फिर जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ हम काम करते रहेंगे। बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि मेगा फूड पार्क के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि वर्तमान माहौल में यूपी के ग्रेटर नोएडा में काम करना संभव प्रतीत नहीं हो पा रहा है, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उन्हें अपना पूरा प्रोजेक्ट किसी और राज्य में ले जाने पर विवश होना पड़ेगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।